नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से गुरु पूर्णिमा पर चित्र बनाना सिखाएंगे, वो भी हार्ट शेप की हेल्प से। आपको यहाँ पर पहले हार्ट शेप ऐसे बना देना होगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ से आपको एक ऐसे बाहर के साइड में हाफ सर्किल बनाना होगा। सेम आप इस साइड पर से रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद ये वाला सिरा आप ऐसे अंदर के साइड में कर देंगे। सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे अंदर के साइड में रिपीट करना होगा। बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इधर से आपको ऐसे डबल करना होगा, यहाँ से भी आसानी से ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, इसको आप ऐसे बाहर की तरफ ले जाते हुए यहाँ से अंदर के साइड में मिला देंगे। इस साइड से भी आप ऐसे ले जाइएगा, ऐसे हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए इसको अंदर के साइड में मिलाइएगा। मिलाने के बाद दोस्तों, आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से ऐसे कर देंगे छोटा सा पॉइंट, यहाँ पर आप ऐसे एक छोटी एक बड़ी लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको इस साइड वैसे रिपीट करना होगा। दोस्तों देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा आप यहाँ पर भी पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद जस्ट नीचे के साइड में ही आपको ऐसे मोर का पंख बनाना होगा। एक इधर बना दीजिए, इसको आगे के साइड में यहाँ पर बढ़ा देंगे। अगर आपके पास स्पेस और है तो आप यहाँ पर नीचे के साइड में ऐसे ही बना दे जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इधर से भी आप ऐसे एक यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक हम यहाँ पर ऐसे छोटा सा बना देंगे। इस साइड से अंदर के साइड में आपको यहाँ से ऐसे करना होगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर के साइड में भी आपको एक फ्लावर बनाना होगा। इधर से ऐसे मिलाएंगे, इसको डबल करिएगा। जब आप डबल कर लेंगे दोस्तों, जस्ट ऊपर के ही साइड में आपको एक छोटी छोटी ऐसे पत्तियाँ बनानी होंगी। इधर से एक बनाइएगा, एक इस साइड बढ़ा दीजिए, एक यहाँ से ऐसे बहुत ही आसानी से बना दीजिएगा। एक छोटा छोटा आप इसके जस्ट ऊपर के साइड में भी बना देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बीच में आप लिख दीजिएगा हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से यहाँ पर हम लिख लेते हैं और कलर भी करना सीख लेते हैं।